तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज ही हमारा दूसरा दिन है। जैसे कि मैंने प्लीज लिया है कि मैं एक महीने तक लगातार एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो आज हमारा दूसरा दिन है। अब आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको लर्निंग्स, मोटिवेशन और स्किल्स वाले वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी की लाइफ से ये रिलेट करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे किसी भी एज का हो, 18 साल का हो, 50 साल का हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसी 9 चीज़ें बताने वाला हूँ, ये आपको किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये 9 चीज़ें करते हैं तो आपके असफल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप ये 9 चीज़ों में से कोई भी चीज़ करते हैं तो आपके साथ ज़रूर प्रॉब्लम होती होगी। अगर इन 9 चीज़ों को आपने अवॉइड कर दिया तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, यानी पहला ऐसा कौन सा काम है, ऐसी पहली कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। कहने लगते ना कि मुझे तो धोखा मिल गया है। यार धोखा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, आंखें बंद करके विश्वास कर लिया। यानी पहला जो काम है, हमें कभी भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। विश्वास करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिना विश्वास के ये दुनिया चली नहीं सकती है। हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पर विश्वास करना होता है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि आप हर्ट होंगे, आपके साथ धोखा होगा और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है कि हमें आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों कहा जाता है ना कि कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, और बातें एक दूसरे से ट्रांसफ़र होके ही जाती हैं, और कई बार बातें इतनी घातक हो जाती हैं कि वो दुश्मनी में बदल जाती हैं। तो किसी की भी बुराई कभी भी पीठ पीछे ना करें। अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, कोई उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, उसके मुंह पर बोलने की कोशिश करें। हो सकता है सामने वाला भी आपको जवाब दे, लेकिन वो अच्छा होगा। लेकिन आप अगर पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं तो जो सुनने वाला है वो कुछ अपना पॉइंट ऐड करके सामने वाले को फॉरवर्ड करता है, और बात का पतंगड़ कब बन जाए, कब कितनी बड़ी दुश्मनी हो जाए, कुछ भी पता नहीं चलता। इससे आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, पीठ पीछे किसी की भी बुराई नहीं करनी है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि हमें गुस्से में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कहते हैं ना कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब किसी को गुस्सा आता है ना तो वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लेता है। जैसे घर परिवार में अगर किसी का थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ और उससे गुस्सा आ गया तो हो सकता है वो परिवार में किसी सदस्य को छोड़ देता है। तो रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो या कोई भी लाइफ का पार्ट हो, अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और मैं तो सजेशन करूँगा कि कभी भी गुस्से में डिसीजन ना लें, क्योंकि गुस्से का डिसीजन आपका सही डिसीजन नहीं होता है। आप सोच समझ के नहीं करते हैं, अपने ईगो को शांत करने के लिए आप डिसीजन लेते हैं, और वह डिसीजन आपको भारी पड़ सकता है, भारी नुकसान करा सकता है। रिलेशनशिप में, बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी जब भी गुस्सा आ रहा है तो उस समय हमें डिसीजन लेने से बचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा चौथा पॉइंट है कि हमें कभी भी खुशियों में बाधे नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब हम खुश होते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, सबके बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, हमें सही और गलत की पहचान नहीं होती है, हम ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, और खुशियों में वादे करने के बाद हम बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि हमने ऐसा वादा क्यों किया था। इसलिए ध्यान रहे, डिसीजन जो होते हैं ना तो गुस्से में लिए जाते हैं, ना खुशियों में लिए जाते हैं। तो आपको किसी से भी वादा करना है तो खुश होकर वादा नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा मतलब ये ध्यान रखना है कि अगर हम खुश हैं तो हमें थोड़ा सा वादा करने से बचना चाहिए। समाज में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, आज के यूथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, मोबाइल का, सोशल मीडिया का चलन हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। हम देख रहे हैं, हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, कम एज में बच्चे प्यार में पढ़ रहे हैं, वो समझते हैं कि ये प्यार है। दरअसल इस मैं अपनी नज़र में बताऊं कि वो प्यार नहीं होता है, वो अट्रैक्शन होता है। वो उस एज में कुछ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, गर्ल्स का बॉयज़ के लिए, बॉयज़ का गर्ल्स के लिए। तो टॉपिक ये है कि कम एज में प्यार करना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। देखिए क्या होता है कि प्यार की वैसे तो कोई एज नहीं होती है, मैं ये डिफाइन करने वाला कोई नहीं हूँ कि प्यार की ये एज होती है, इस समय आपको प्यार करना चाहिए। लेकिन कम एज में आप प्यार में पढ़ते हैं तो वो अट्रैक्शन होता है, और कम एज में पढ़ने के बाद में आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, तो आपका मिसयूज ज़्यादा हो सकता है।
इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप कम एज में होते हैं तो आपके अंदर समझ नहीं होती है, आप सिर्फ इमोशनली सोचते हैं, लॉजिक भी नहीं लगाते हैं, और सही और गलत के बीच में फर्क भी आपको नजर नहीं आता है, और आपको जो मिल जाता है आपको ये लगता है कि यही मेरे लिए बेस्ट है और वही आपकी दुनिया है। कई बार देखा जाता है कि 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे बच्चियां प्यार में पड़ रहे हैं और वो अपने जो प्यार जिससे करते हैं उनको ही सब कुछ मान लेते हैं, वो उसमें भी गलत कदम उठा लेते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहते हो, तो कम एज में प्यार में ना पड़े, क्योंकि ये आपको बर्बादी की ओर ले जा सकता है। और हमारे अंदर उस एज में एक ही काम होना चाहिए कि हमें अपने कैरियर को सेट करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है वो डिज़ाइन करना चाहिए, प्लस हमारे ड्रीम्स क्या क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं वो हमें तैयार करना चाहिए, अपनी स्किल को पहचानना चाहिए, अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अगर वो एनर्जी आप सही जगह लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन आप गलत ट्रैक पे जाओगे तो गलत ट्रैक पर बहुत सारी संभावनाएं। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, अगर आप एक रील्स देखने को बैठोगे तो उसमें हजारों लाखों ऑप्शन हैं, सजेशन में आते जाएंगे, रिकमेंड होते जाएंगे, आपका समय कब बर्बाद हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ध्यान रहे, कम एज में आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको निगेटिव लोगों के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि आपका जैसा सर्किल होता है, जैसे लोग होते हैं, वैसे ही आपकी सोच हो जाती है। तो ध्यान रहे, अवॉइड करें निगेटिव लोगों को, जिनके कोई ड्रीम्स नहीं होते, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, हमेशा बहाने बनाते हैं और उनके कोई भी लक्ष्य नहीं होते हैं, सिर्फ यही होता है कि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है, मेरे पास जो है इन्जॉय कर लो, ज़िंदगी एक बार मिली है, ऐसी बातें करने वाले जिनके कोई ड्रीम्स ही नहीं होते, इन सर्कल को अभी छोड़ दीजिए। आपके दोस्त भी हैं तो ये आपको भी गिरा के छोड़ देंगे। इसलिए ध्यान रहे, आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, तो निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। कहते हैं ना कि हेल्थ वेल्थ अगर अच्छी हो तो हैप्पीनेस आ जाती है। तो अगर आज के समय में देखा जाए तो इस यूथ जो है नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, नशे की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, अलग अलग तरह की नशे कर रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी को, यूथ को, कि आपको हेल्थ पर ध्यान रखना है तो सबसे पहले जिम जाने की बजाय, अगर आप गलत नशे में फंसे हुए हैं, कुछ गलत नशा करते हैं, तो उसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि नशा आपको अभी इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आपकी एज हो जाएगी उस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नशों से दूर रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तो प्रॉब्लम में जाते ही जाते हैं, साथ में आप अपनी फैमिली को, आपसे जुड़े हुए लोगों को, सबको परेशानी में डाल सकते हैं। तो नशे से आपको दूर रहना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। एक और सजेशन है मेरा यूथ के लिए, अगर देखिए मैंने पहले कह चुका हूँ कि प्यार कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्यार में पड़ भी रहे हैं, किसी से रिश्ता भी बना रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि स्वार्थ के लिए रिश्ता कभी ना बनाएं। अगर आप ये स्वार्थ चाहते हैं कि मुझे टाइम पास नहीं मेरा हो रहा, किसी से मुझे बात करनी है, तो ये आपका स्वार्थ है। दूसरा, आप और गलत इंटेंशन ले सकते हैं कि मेरा तो सिर्फ ये इंटेंशन है, इसके लिए मुझे रिश्ता बनाना है। तो हो सकता है कि आपका स्वार्थ तो पूरा हो जाए लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो ध्यान रहे, सभी यूथ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लाइफ में बहुत सफल होना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो कभी भी स्वार्थ के लिए रिश्ता ना बनाएं, क्योंकि आप उस समय तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन सामने आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको आगे जाके ज़रूर मिलता है। ये यूनिवर्स हर चीज़ का हिसाब चुकता करता है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट है और इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है आपको, कि देखिए क्या होता है कि जब हम कुछ काम करने जाते हैं तो हमें दूसरे लोग ज्ञान देने आ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये काम आप कर ही नहीं सकते, ये काम आपके बस की बात ही नहीं है, तो वो आपको नहीं जज कर रहे हैं, उन्होंने उस काम के प्रति क्या सोच बना रखी है वो सोच आप पर थोप रहे हैं। तो ध्यान रखें, कभी भी लाइफ में कुछ भी करना है तो सबसे पहले उस काम का आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, कोई भी कितना भी मोटिवेट कर दे, आप वो काम नहीं कर सकते। तो दूसरों की बातों में आके आप अपने लक्ष्य का बदलाव ना करें, लक्ष्य का चयन ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप खुद को जानते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों की बातों में आके अपने गोल्स ना बनाएं, अपने लक्ष्य को चेंज ना करें, हमेशा खुद पर विश्वास करें। इसी प्रकार मोटिवेशन लर्निंग वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमेशा इस चैनल पर आपको प्रोत्साहन मिलता रहेगा, मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। तो बने रहिए चैनल पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आपको कमेंट्स में बताना है, और मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।